अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आप तक। फ्रेंड, आज बात ऐसी है, लिनोवो ने काफ़ी दिन पहले से हम सबसे कह रहा था कि एक ऐसा फ़ोन लेकर आएगा, उसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, उसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड करेंगे। तो दोस्तों, आज वो फ़ोन लॉन्च हो गया है, लिनोवो Z5। इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे इस फ़ोन की प्राइस, स्पेसिफिकेशन और मेरी क्या ओपिनियन है इसी नए लिनोवो Z5 की। तो चलिए शुरू करते हैं। लिनोवो ने अपने मोस्ट अवेटेड वेजलेस स्मार्टफोन लिनोवो Z5 को लॉन्च कर दिया है, लेकिन इस फ़ोन को लेकर लिनोवो जिस तरह के टीजर जारी कर रहा था उससे बेहद अलग है। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं लिनोवो का ये फ़ोन बहुत अच्छा है, या इस फ़ोन को लेकर लिनोवो जिस तरह के टीजर जारी कर रहा था ये उससे बेहद अलग है, इसे नोच फ्री बताया गया था, लेकिन ये नोच के साथ आता है और साथ में इसमें 4 TB की स्टोरेज टीजर में दिखाई जा रही थी, लेकिन इसमें मेमोरी भी इतनी नहीं है। साथ ही बैटरी को लेकर किए जा रहे कंपनी के दावे गलत नज़र आ रहे हैं। लिनोवो Z5 एल्युमिनियम बिल्ड और ग्लास बैक बॉडी के साथ आता है। लिनोवो का कहना है कि लिनोवो Z5 के नीचे की ओर दिए गए बेजल 7.69 mm है, जो Mi 8 के बेजल से 0.7 mm पतला है। इसमें आईफोन X जैसा नोच दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों ये एक मिड रेंज फ़ोन है, तब भी दोस्तों ये बहुत बेहतरीन फ़ोन है। आइए हम इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन देखते हैं। लिनोवो का ये फ़ोन 6.2 इंच के IPS डिस्प्ले के साथ आता है। इसका एस्पेक्ट रेशियो 19.9 है और ये 2.5D क्वाड गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है। ये स्मार्टफोन ZUI 4.0 कंपनी के अपने यूजर इंटरफेस पर काम करता है। प्रोसेसर की बात करें तो लिनोवो Z5 स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर एंड्रॉइड 8 ओरियो पर चलने वाला है। 6 GB रैम के साथ आता है, जो स्टोरेज है 64 GB या 128 GB की एक्सपेंडेड कर सकते हैं लगाकर मेमोरी कार्ड को। ये होगा हाइब्रिड सिम में लग पाएगा 256 GB तक का। तो 4 TB यहाँ दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देती है। हम लिनोवो Z5 के कैमरे की बात करते हैं तो लिनोवो Z5 डुअल कैमरा के साथ आता है। लिनोवो का कहना है कि Z5 का कैमरा आईफोन X से भी बेहतर वाइड एंगल कैपेसिटी के साथ आता है। इसमें ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप 16 MP प्लस 8 MP के कॉम्बिनेशन में आता है। कम रोशनी में भी बेहतरीन फोटो ली जा सके, इसके लिए लिनोवो ने AI सपोर्ट कैमरे को दिया है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें 8 MP का AI वाला सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कम रोशनी में भी बेहतरीन सेल्फी ले सकता है। और कैमरे के बगल में लगाया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर, जिससे ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लगता है। ये स्मार्टफोन 3300 MHz की बैटरी के साथ आता है। ये फास्ट चार्जिंग टेक्निक के साथ आता है, जो 5 मिनट में आधे घंटे के इस्तेमाल भरकर चार्ज हो जाता है। और जो प्राइस है भैया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि है 1299 yuan, 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, मतलब लगभग 14,500 रुपये के आसपास तक ये फ़ोन आएगी। दोस्तों, दूसरा वेरिएंट है 6 GB रैम, 128 GB, इसकी प्राइस है 1799 yuan, यानी अप्रॉक्स 18,500 के करीब आसपास आएगा ये फ़ोन। तो फ्रेंड, इस फ़ोन की प्राइजिंग कमाल की लगती है। इस प्राइज में आपका नोच वाला ऑलमोस्ट बेजल लेंस डिस्प्ले स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर है, 6 GB रैम है, 64 GB स्टोरेज है, ड्यूअल कैमरा मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगा, तो सब कुछ एकदम अच्छा पैकेज लगता है यार। लिनोवो जब इस फ़ोन को इंडिया में लेकर आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर आकर खड़े हो जाएंगे। मोटो भी अपना एक 14,000 में एवरेज फ़ोन निकाला है, अगर ऐसे में हमें 14,500 में लिनोवो Z5 निकल के आए तो हिट क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, लिनोवो ने जो अनाउंस किया था अपने इस लिनोवो Z5 को लेकर, वो पूरा नहीं किया। आखिर क्यों कंपनी ने ऐसा झूठ बोला? लेकिन हाँ दोस्तों, प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। बस दोस्तों, यही इस फ़ोन के बारे में। और हाँ, प्राइस को लेकर मुझे ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कंपनी जो जो बोला वो सब इस फ़ोन में नहीं है, अगर वो सब होता तो ये फ़ोन सुपर फ़ोन होता, लेकिन ये फ़ोन भी प्राइस के हिसाब से बहुत मस्त है। और आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताएं कि क्या कंपनी को इस तरह से झूठ हम लोग से बोलना चाहिए। तो दोस्तों, ये है लिनोवो Z5 है। तो दोस्तों, ये है लिनोवो Z5, आप सभी के लिए लॉन्च हो गया है चाइना में, मिलेगा 12 जून से। कोशिश करूँगा मैं इसका वीडियो आपके लिए बना पाऊँ, इंडिया में आने का वेट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।